वेलकम टू माय चैनल हर कोई शेफ। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है लहसुन की चटनी। ये राजस्थान की रेसिपी है और इसे वहाँ बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। इसके लिए यहाँ रात भर भीगी हुई मैंने लाल मिर्च ले ली है, एक पूरी कली लहसुन ले लिया है और अदरक के 6-7 टुकड़े ले लिए हैं। अब इन सभी को मिक्सी जार में डालेंगे। एक चम्मच धनिया डालेंगे, 2 मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर साइड रखेंगे। आगे कढ़ाई में यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हींग जीरा का तड़का देकर ये पिसा हुआ पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर 2 मिनट जब हो जाए तो इसमें अमचूर डालेंगे, 1/2 चम्मच। अमचूर डालने से ये थोड़ा चटपटा हो जाता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। और इसे थोड़ी देर तक और भूनेंगे जब तक ये जो पेस्ट है ना थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं ये पेस्ट कितना गाढ़ा हो चुका है। आइए अब मैं आगे का प्रोसेस करती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से घुलने के बाद इसे हम अपने लहसुन के पेस्ट में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। में आप देखेंगे ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा ग्लॉसी हो जाएगा। इस चटनी के ऊपर देखिए ऑयल आना शुरू हो गया है। अगर ऑयल आना शुरू हो जाता है तो आप समझिए ये रेडी है। ये देखिए अब बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आप भी फटाफट से इसे ट्राई कीजिए। इसे आप मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी या मोमोज के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही चटपटा लगता है। तो फटाफट से मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।